हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफला ऑफिशियल चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टू टाइप्स ऑफ छोले मसाला। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 कप छोले को ओवरनाइट भिगाकर रख ली थी। प्रेशर कुकर लेकर इसमें भिगे हुए छोले, स्वाद अनुसार नमक, 2 ग्लास पानी, 5 to 6 whistles आने तक पकाना है। एक बारीक कटा हुआ कैरेट, एक बारीक कटी हुई प्याज और एक बारीक कटी हुई टमाटर और हाफ लेमन। 5 to 6 whistles आने के बाद फ्लेम को ऑफ करके ठंडा होने के बाद लिड ओपन करेंगे। देखिए चने नरम हो चुके हैं। पानी को स्ट्रेन कर ली हूँ। इसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ कैरेट, स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा पिंच ऑफ लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे। दूसरा तरीका, एक पैन लेकर फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें 1 स्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, एक प्याज को बारीक ग्राइंड करके रख ली हूँ, इसको डालेंगे। ¼ टीस्पून अदरक लहसुन मसाला डालकर अच्छे से भून लेंगे। एक बारीक ग्राइंड किया हुआ टमाटर, ¼ टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, पाव भाजी मसाला पाउडर, 1 टीस्पून छोले मसाला पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। आप इसमें हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल सकते हैं। इसमें 1/2 ग्लास वाटर डालकर 1 मिनट के लिए पकाना है। इसमें बॉईल किए हुए चने, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आप चाहे तो इसमें यह आलू उबाल कर भी डाल सकते हैं। वन बाय फोर टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर पकाना है। लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस डालकर मिक्स करके फ्लेम को ऑफ करेंगे। सर्विंग प्लेट में डालकर इसको बारीक कटी हुई प्याज और नींबू के साथ सर्व करिए।
टेस्टी छोले मसाला बनकर तैयार है। आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।